अनिल और आप देख रहे हैं एफएस न्यूज। जैसे कि देख रहे हैं बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर आगामी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इसी बीच हमारी टीम पहुंच चुकी है रामगढ़ा पंचायत में, जहां पे आप देख रहे हैं कि भावी बीडीसी प्रत्याशी हैं वो मतलब काफ़ी युवा है और समाज में इनका योगदान अच्छा रहता है और यहाँ पर जनता जो है इनको अपना उम्मीदवार के तौर पे खड़ा की हुई है। आइए इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम मुकेश कुमार, पिता श्री नारद प्रसाद, बीडीसी प्रत्याशी। हम यही चाहते हैं कि हिंदुओं भाई के प्रणाम, माँ बाप को प्रणाम और मुसलमान भाई को भी सलाम लेकुम। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे को एक मौका दिया जाए। मुकेश जी, आप युवा हैं और युवा देश का भविष्य होता है, इसके बारे में आप क्या कहिए? अगर मतलब कि युवा आदमी है तो जनता सब देखेगी, युवा का ही मतलब कि अथी है। जहाँ भी देखिए युवा देश के लिए, भविष्य के लिए अच्छा है ना। आगे आप लोग को माता और बहनों का निवेदन है कि हमको आगे बढ़ाएं। आप क्या सोचकर बीडीसी का पद चुने? आप मुखिया का भी लड़ सकते थे, जिला परिषद का भी लड़ सकते थे, लेकिन आप बीडीसी का ही क्यों चुने? हम इसलिए चुने कि मान लीजिए कि आगे भी प्रत्याशी लोग बहुत खड़ा हुए थे, मतलब कि पंचायत में काम वम जैसे चल रहा है तो बोला कि ऐसे गांव के भी जनता हमारे से बोला कि मुन्ना भाई तुम खड़ा होखो ना। तो मैंने कहा कि किस आधार पर मैं खड़ा होखूँगा, तो बोला कि हम तुम लोग का साथ हैं। हाँ, तो इससे जनता से हमें यही उम्मीद है, जनता से प्रयास है कि हमको बहुमत वोट से विजयी बनाए। तो आगामी जो 8 तारीख को वोट होने वाला है जी जी, और आपके 5 प्रत्याशी हैं शायद बीडीसी के? जी, 5 प्रत्याशी हैं। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हम यही देख रहे हैं कि हम अभी मतलब कि जनता के नज़र में जैसे हमको अच्छा लगे जनता हमें चुने ना। आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं, आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, जहाँ भी जाते हैं लोग कहता है कि ऐसे कि बहुत से लोग प्रत्याशी है, लेकिन इसमें तुम भी हो एक, तुम्हारा भी हम लोग निदान करेंगे। अच्छा। ना कि मतलब कि आपको मौका इस साल दिया जाएगा। अच्छा, तो आप ये पहला चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, ये दूसरा चुनाव मेरा है। तो पिछले बार आप कितने नंबर, कितने वोट मिले थे आपको? 286 वोट मिला था हमको। तो क्या इस बार आपको लग रहा है कि जनता आपको? हाँ, जनता हमको चाहेगी तो हमें बनाएगी। तो अपना 8 तारीख को वोट होने वाला है, अपना जनता जनार्दन मालिक से क्या अपील कीजिएगा? हम जनता जनार्दन मालिक से यही अपील करेंगे, माँ बहनों और चाचा चाचियों से और सबसे निवेदन करेंगे, भाइयों से निवेदन करेंगे कि हमको एक मौका देने का निदान कर, कष्ट करो। चुनाव जीत जाइएगा तो आप सबसे पहला विकास क्या कीजिएगा? मुकेश जी, आप युवा हैं। हाँ, सबसे पहले मैं विकास करूंगा शिक्षा पर। शिक्षा पर विकास करेंगे, उसके बाद बूढ़े लोग भी ध्यान देना पड़ेगा, अगर पंचायत में भी ध्यान देना पड़ेगा किसको क्या है नहीं है, वो कैसे जूझ रहा है, किस समस्या से जूझ रहा है, उसको हम निदान करेंगे। और जैसे कि देखा जाता है कि जो वर्तमान बीडीसी रहते हैं, चाहे जो प्रत्याशी रहते हैं, जीतने से पहले तो बहुत वादे करते हैं, जीत जाने के बाद वादे नहीं करते हैं। नहीं, आप ऐसा तो नहीं कीजिए? नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो भगवान की फोर्स से यही करते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरिए। हाँ, जनता की उम्मीदों पर एकदम खड़ा उतरेंगे। तो ये थे मुकेश कुमार जी, जो बीडीसी से नामांकन किए हुए हैं। आगामी 8 तारीख को वोटिंग पड़ने वाला है, अब यहाँ के जनता अपना किसे बीडीसी का पद सौंपती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अनिल, सिवान जिले के रामगढ़ा पंचायत।